सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी पे। दैट्स मी शिवम कुमार, वेलकम यू ऑन माय चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। तो नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ संगीत शिक्षा हिंदी पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जल्द से जल्द प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर कैसे कंप्लीट करें। सो, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते हैं, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, राग से रिलेटेड हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू द म्यूज़िक, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप तक सही चीज़, सही बात पहुँचे। कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी झूठ नहीं, किसी भी तरह का चीटिंग नहीं। तो सबसे पहली चीज़, लेट मी वेरी क्लियर विद यू कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी चीज़ गलत प्रोवाइड नहीं की जाएगी, कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। हाँ, कुछ चीज़ें भूल सकते हैं, वो बात अलग है, पर जानकारी गलत नहीं दी जाएगी। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो वाद्यंत्र हो या कोर्स रिलेटेड हो, हम जो भी इस वीडियो में बताएंगे या जो भी मैं आगे बताऊंगा या जो भी मैंने पीछे बताया है वीडियो में, सभी सत्य है। कुछ झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चीट नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से आप, यानी प्रयागराज से, सॉरी लेट मी करेक्ट, सो प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से आप प्रभाकर जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं, यानी कम से कम वर्षों में कैसे करें। तो देखिए, इसके दो तरीके हैं मेनली। सबसे पहला तरीका है, या तो आपने इंटर, ओनली इंटरमीडिएट में बात करूंगा, हाई स्कूल किया है तो इंटर भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो भी आप इंटर कर सकते हैं, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी हम प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के बारे में ही बात करेंगे, सॉरी प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज के बारे में ही बात करेंगे। ओके, सो अगर आपने इंटरमीडिएट म्यूजिक से किया है, पहला पॉइंट तो ये है, इंटरमीडिएट म्यूजिक से किया है तो ये मैं अपनी गारंटी देता हूं, मैं दूसरों की गारंटी नहीं ले सकता हूं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इस वीडियो में जो भी मैं बोलूंगा वो सत्य होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा और कहीं भी किसी भी रूप में चीटिंग नहीं होगी जो मैं बोलूंगा, और मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को करा रहा हूं इसीलिए, और मेरे खुद के दोस्तों ने भी किया है, मेरे खुद जान पहचान में जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी किया है। तो इंटर अगर आपने म्यूजिक से किया है, नाउ द पॉइंट्स कम्स, अगर आपने इंटर किया है तो आपका प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से एडमिशन डायरेक्ट फोर्थ ईयर में हो सकता है। कोई कराए ना कराए, मैं कराऊंगा डेफिनेटली फ्रॉम माई सेंटर। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है, जो हम कराते हैं, हम सीधा डायरेक्ट सेकेंड ईयर से एडमिशन कराते हैं, जो कि होते हैं, एक साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है फर्स्ट ईयर का। देखिए, सेकेंड ईयर जूनियर डिप्लोमा कहलाता है, फोर्थ ईयर सीनियर डिप्लोमा, जिसके बीच में थर्ड ईयर आता है, तो थर्ड ईयर कंपलसरी है करना, सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर एज इट एज चलता रहता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्रभाकर किए हुए हैं पहले से ही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रभाकर वोकल से किए हुए हैं और अब आपका मन है कि मैं वादन से कर लूं, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास एक प्रभाकर आपने किया हुआ है प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से, तो आपको सीधा फोर्थ ईयर में एडमिशन मिलेगा। यू आर एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन फोर्थ ईयर। आप किसी भी वादन कैटेगरी में आप एडमिशन ले सकते हैं, या आपने वादन किया है, गायन में करना चाहते हैं, कथक में करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट फोर्थ ईयर में एडमिशन मिल सकता है अगर आपके पास एक प्रभाकर ऑलरेडी है, और इंटर है तो फोर्थ ईयर में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपने किया हो या ना किया हो। ओके, तो एक तरीका तो यह है कि सेकेंड ईयर से हम कराएं, अगर आप पे इंटर म्यूजिक नहीं है। अगर आप इंटर म्यूजिक से हैं तो आप इंटरमीडिएट करने के बाद आप सीधा फोर्थ ईयर में कर सकते हैं। मैं इंटरमीडिएट भी करा देता हूं, वो इंटरमीडिएट के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, इंटरमीडिएट वाले वीडियो में, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं साथ साथ, यानी कि गायन वादन कर सकते हैं, या दो वादन भी कर सकते हैं, या गायन नृत्य भी कर सकते हैं। पर कब तक, ये आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट थिंग ये ही, कब तक कर सकते हैं। एक साथ आप फिफ्थ ईयर तक बराबर कर सकते हैं दोनों एक साथ, मैक्सिमम टू कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं प्रभाकर के एक ही बोर्ड से, है ना। पर जो फाइनल ईयर होगा, यानी डिग्री का जो ईयर होगा, सिक्स्थ ईयर, जहाँ डिग्री मिलेगी, तब आप एक बार में एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक बार में आप एक ही आवेदन भरेंगे। तो एक साल आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, जैसे आप मान लीजिए गायन करने एक वादन करें, जैसे मैंने खुद किया है, लेट मी वेरी क्लियर विद यू, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, मैंने खुद किया है। तो मैंने गायन भी साथ साथ किया और वादन भी किया, तो मैंने फिफ्थ ईयर तक दोनों को साथ चलने दिया। जब मेरा सिक्स्थ ईयर आया तो पहले मैंने गायन को कंप्लीट किया, फिर मैंने पिछले साल अपना तबला किया है। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं
इन सब चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें, कोई कन्फ्यूजन ना रखें अपने मन में। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अगर होता भी है तो आप हमें कमेंट करें, और दूसरे जो भ्रमित कर रहे हैं उनसे बचें। आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, अगर मुझ पर भी यकीन ना हो तो आप बुक्स पढ़ें, आपको बुक्स में सब मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, जब आपको विश्वास हो तब आप मुझ पर विश्वास करें, ओके। तो पहले आप सुनिश्चित कर लें आप चार जगह पढ़ें, क्योंकि देखिए मैंने भी चार जगह पढ़ा है, सुना है, मेरे गुरुजनों से सुना है, मेरे गुरु से सुना है, तब मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले ही बात वीडियो में शुरू में कहा है कि मैं कोई भी चीज़ किसी भी निष्कर्ष पर ऐसे नहीं पहुँचता जब तक उस चीज़ के बारे में मुझे पता ना हो, और मुझे पता है तो दैट विल आई एम श्योर विद 100%, कहीं हो ना हो मैं आपको करा के दूंगा, गारंटेड 101%, ओके। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। आगे मैं आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड, इंटरमीडिएट से रिलेटेड और BA कैसे करना है इससे भी रिलेटेड थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग देखें। आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग संगीत शैंदी। टेक केयर, लव यू।